हमारा टॉपिक था कोरोना वायरस और प्रधान के अंतर्गत जो यहाँ पे काम चल रहा है वही के दौर में अहमदानगर आए वही के प्रधान है मुकेश गुप्ता जी का काम मैंने जब देखा गलियों में घुसा तो कई लोग वहाँ पे सफाई कर रहे थे, सफाई यूनिट लगी थी वहाँ नाला साफ कर रहे थे और इसी दौरान में प्रधान जी से और कुछ पूछना चाहता सर यहाँ पे कितने सेंट्राइजर हुए हैं? एक बार सेंट्राइज हुआ है और सफाई की विशेष व्यवस्था है, जो कंट्राइज लोग हुए थे उनको खाना पीना में फिर उनके हिसाब से 14 दिन देते रहे और उसके बाद वो 15वें दिन लेखपाल द्वारा और डॉक्टर द्वारा मैंने उनको सबको घर खुशी खुशी विदा किया है। और हमारे यहाँ पे राशन कार्ड ग्रामवासियों के लिए सबको करीबन 1154 लोगों को गल्ला मिलता है और 1154 लोगों को गल्ला मिलता है और इसके अंतर्गत जो अंत्योदय कार्ड जो हैं वो करीबन 110 बने हुए हैं, उनको सभी को गल्ला मिलता है। कोटेदार से अभी कोई शिकायत नहीं आई किसी की हमारे पास। और उसके बाद जो गल्ला एक दूसरा गरीबों वाला जो बेटा है वो भी 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से फ्री दिया गया है और जो नरेगा के अंतर्गत जो थे लोग उनको भी गल्ला फ्री दिया गया है। और अभी हम यहीं पे बैठे हैं सुनील शर्मा जी के वहाँ से, यहाँ पे एक कंप्यूटर की दुकान मैंने खुलवाई, अभी ऑनलाइन वाला काम चालू हुआ था गल्ले का, तो उसमें हमने ऑनलाइन इनसे करवाया। कितने करवाए सर? करीबन 100 के लमसम मैंने ऑनलाइन करवाए हैं और यूनिट वाला काम बढ़वाया है, लेकिन हमें कोटेदार से मालूम हुआ है कि ऑनलाइन वाला काम बंद हो गया, कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं। उसमें मैं आप लोगों से कहूँगा कि उसमें जो मेरे फार्म गए हैं तहसील में पड़े हुए हैं फार्म, अगर उनको आप फ्रीड करा देते हैं तो आपकी बहुत महान कृपा होगी, जिससे गरीबों का भला हो जाएगा, हमारे गांव का कोई भूखा ना मरे। उसके बावजूद भी अगर कोई कोटा और राशन की बात नहीं है, अगर कोई गरीब भी घर अगर भोजन नहीं होता है, हम सुबह से देखते रहते हैं शाम तक जनता के बीच रहता हूँ, अगर कोई भाई हमारा भूखा है मैं खाऊं या ना खाऊं लेकिन उसको जरूर जीवित रखूंगा क्योंकि उसने मुझे प्रधान बनाया, प्रधानपति बनाया है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके प्रति हम को लगाव रखें, उसको घर में रखें और भले घर में रहे तब भी एक एक मीटर की दूरी बनाए रखें और अगर कोई आदमी बाहर से आता है उससे हमारा फोकस रहता है कि कोई कौन आदमी गाँव से आया है तो उसको भी मैं स्कूल में रखने की व्यवस्था करता रखता हूँ। और लेखपाल जी से बात होती रहती है, नायब तहसीलदार से बात हुई थी कि अगर कोई गरीब हो तो 10-15 किलो तक अगर गल्ला और अनाज दे देना, तो मैंने दे दिया, लेकिन लेखपाल जी का फोन आया था कि 3-4 लोग रह गए हैं, अगर लेखपाल जी कहेंगे तो हम दे देंगे, नहीं तो फिर उसमें मैं नायब साहब से भी पूछूंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कितनी गंभीर से बात बताई यहाँ के प्रधान जी गुप्ता जी ने, इन्होंने कहा कि कोई भी यहाँ पे भूखा ना रहे, अगर कोई भी रहता है तो उसको तत्काल जाके खाने की किट पहुँचाई जा रही है और उनसे अभी इन्होंने बताया कि 1154 कार्ड इन्होंने बना चुके हैं, बाकी इनका काम चल रहा है। उन्होंने अपने स्थान से अपने जहाँ पर उनकी प्रधानी वहाँ पर कंप्यूटर लगवा के लोगों को सारे फार्म बिल्ड करवा रहे हैं और सफाई को लेकर भी हमने अभी क्षेत्रों में घूमा तो सफाई को लेकर भी हमने देखे हैं, कुछ वीडियो अच्छे भी हैं और हमने देखे तो सफाई में भी उनका काम योगदान अच्छा चल रहा है। सर क्या मास्क आपने बंटवाए यहाँ पे? मास्क लोगों ने यहाँ जो घर में रहते हैं उन्होंने रुमाल का इस्तेमाल किया है, सब लोगों को गरीब रहते हैं मास्क की आगे भी ऊपर से आदेश है, अगर कोई बाहर जाता है उसके लिए मास्क जरूरी है, नहीं तो रुमाल बांध लेते हैं लोग। और मुकेश जी अपना काम तो और मेरा ये काम सफाई कर्मी पे जैसे हम थोड़ा सा इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं कि जैसे हमारे गांव के ग्राम सभा 4 पड़ती हैं, इसमें चटिया है, दौरारा है, मणिकापुर है, तो ऐसे में एक कुल सफाई कर्मी है और एक सफाई कर्मी जिसमें हमारे यहाँ गांव में 3 स्कूल हैं, एक हमारा शंकर जी का मंदिर भी है और यहाँ पे साईं बाबा का भी मंदिर है और स्कूल में बच्चे जाते हैं वहाँ भी हमको सफाई देखने को पड़ती है, हमारा एक भोले जी का मंदिर भी है तो मंदिर पे भी सफाई करना कराना हमारा एक कर्तव्य है, इसलिए एक सफाई कर्मी से पूरा कार्य मेरा नहीं हो पाता है। अगर आप लोगों के द्वारा अगर कोई सफाई कर्मी हमारे गांव में बढ़ जाए तो बहुत बहुत कृपा होगी। आप
देख सकते हैं यहाँ पे मुकेश का काम काफी अच्छा, आप देख सकते हैं इंटरलॉक लगा के सफाई से हमारे नजर जहाँ से पड़ रही है एलएन न्यूज के द्वारा यहाँ पे चारों तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में साफ सुथरा है इंटरलॉक होते हुए। इस कोरोना वायरस के अंतर्गत प्रधान जी का काम यहाँ पर काफी अच्छा है। मैं नरेंद्र कुमार मोदी कैमरा मैन गाँव मिश्रा के साथ चलिए।